वॉकी टॉकी पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो लड़का मैं हूँ। और ये रही आइटम, ये आप उनकी काली पीली। और लफड़ा बोले तो अलग ही लेवल का होला है, मतलब। नमस्कार, नील नाशक डायरेक्टर कास्ट में आपका स्वागत है। इस हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। पहली फिल्म सीरियस मैन और दूसरी खाली पीली। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे फिल्म खाली पीली अपने रिलीज से पहले ही विवादों में थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नेपटिज्म को लेकर जो मुहिम चढ़ा गया था, उसमें सड़क टू के साथ साथ खाली पीली को भी टारगेट किया गया था। पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते की फिल्म खाली पीली के बारे में। खाली पीली 80 के दशक की पिक्चर है। 80 के दशक से याद आया उस दौर के क्रिटिक्स, टिकट काउंटर में बैठा हुआ शख्स और सिनेमा हॉल के अंदर टिकट चेक करता हुआ आदमी हुआ करता था। आपको याद होगा, जैसे आप पिक्चर हॉल में एंट्री करते थे, एक टॉर्च आपकी आंखों के ऊपर जलती हुई नजर आती थी और टॉर्च वाला आपके धुंधलाई हुई आंखों के बीच में आपको टिकट चेक करता था और रास्ता दिखाता था और आपके सीट पर बैठाता था। यह अलग बात है कि टिकट काउंटर पर बैठा हुआ शख्स जो बातें बोलता था उससे टिकट चेक करने वाले की बातें बिल्कुल जुदा होती थी। टिकट काउंटर वाला हमेशा पिक्चर की तारीफ करता था, जबकि टॉर्च वाला यानी कि टिकट जो चेक करता था सिनेमा हॉल के अंदर का टीटी हमेशा सच बोला करता। आज भी उसकी शक्ल मुझे याद है, ठंड हो या गर्मी हो हमेशा कैप पहने होता था, हाथ में उसकी टॉर्च होती थी। जब भी उससे बात करो वो पिक्चर के बारे में बिल्कुल सही बताता था। आजकल तो फिल्म रिव्यू में भी नेपोटिज्म देखने को मिलता है, इसलिए मुझे अक्सर वो टिकट चेकर मुझे याद आता है जिसे आप सिनेमा हॉल का टीटी कह सकते हैं। उसकी बातें उसकी हमेशा 100% सही हुआ करती थी। अब मैं दावा तो नहीं करता कि उससे बेटर किसी और की जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो एक ही पिक्चर दिन भर में 4 बार देखा करता था और आज के टिक्स पूरी मूवी भी नहीं देखते, आधी देखकर ही पूरी रिव्यू लिख डालते हो। तो मैं तो कोशिश करूंगा कम से कम 2 बार देखने की। अब बात करते हैं ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की फिल्म खाली पीली की। खाली पीली फिल्म OTT प्लेटफॉर्म जी सिनेप्लेक्स पर रिलीज हुई है। इसके अलावा बेंगलुरु और गुड़गांव के कुछ सिनेमा हॉल में भी ये पिक्चर लगी है। खाली पीली फिल्म 80-90 के दशक की फिल्मों की याद दिलाएगी। इस फिल्म को देखकर आपको महेश भट्ट की सड़क की याद आ जाएगी। इस फिल्म में ईशान खट्टर भी आपको काली पीली टैक्सी चलाते हुए नजर आएंगे और अनन्या पांडे जिन फरोशी के धंधे से भाग कर निकलती है। अगर ये फिल्म सड़क की सिक्वल होती तो शायद बेहतरीन होती, क्योंकि जदी पहलावत मकरंद देश पांडे की तुलना में बहुत ही अच्छा काम किया है। मकबूल खान द्वारा निर्देशित खाली पीली फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में ज्यादा है, आधे से ज्यादा पिक्चर फ्लैशबैक में, लेकिन यकीन मानिए फ्लैशबैक में आपको काफी रोचक लगेगा और लास्ट सीन तक आपको सस्पेंस बनाए हुए रखेगा। फिल्म की कहानी ईशान खट्टर और अनन्या पांडे के इर्द गिर्द घूमती है। ईशान खट्टर का किरदार एक ब्लैकी का है जो बचपन में टिकट ब्लैक करता है और बड़े होकर वो एक टैक्सी ड्राइवर बन जाता है, जबकि अनन्या पांडे बचपन में एक अड्डे पे लाई जाती हैं, बाद में शादी वाले दिन वहां से भाग जाती हैं, दोनों इत्तेफाक से फिर मिलते हैं और उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। इस लव स्टोरी में एक विलन भी है जो किरदार निभाया है जयदीप अहलावत ने। आम फिल्मों की तरह इस पिक्चर की भी हैप्पी एंडिंग है। मुंबईया स्टाइल में बात करते हुए ईशान खट्टर काफी सहज लगे हैं। ये फिल्म में बहुत हद तक वो शाहिद कपूर की झलक दिखाते हैं। डांस तो हुबहू शाहिद कपूर जैसा ही उनका है, लेकिन अगर आगे रेस में बने रहना है उनको कुछ हमेशा नया करते रहना पड़ेगा। वहीं अनन्या पांडे का किरदार काफी अच्छा है। 80 के दशक की पिक्चर है, लेकिन उन दिनों में आमतौर पर हीरोइन जो होती थी हीरो को बसा देती है, लेकिन इस फिल्म में आप देखेंगे हीरो छोड़कर जा रहा होता है हीरोइन को, लेकिन हीरोइन के साथ चलने को तैयार होती है और एक्शन सीन करती है। अगर यह पिक्चर सिंगल थिएटर में रिलीज हुआ होता और कोरोना का टाइम नहीं होता, जरूर अनन्या पांडे के फैन सिटी बजा रहे होते उनके एक्शन सीन को देखकर। सतीश कौशिक और गीतकार से अभिनेता बने शिवानंद किरकिरे सरप्राइज किए गए इस फिल्म के। वहीं जयदीप अहलावत हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। उनको देखकर लगता है इस दौर के उनसे अच्छा एक्टर हो नहीं सकता, जो कि बिल्कुल ही किरदार में दिखता है। डायरेक्टर कट्स की बात करें तो मकबूल खान एक घिसी पिटी कहानी को अपने फ्लैशबैक वाली स्टाइल में पिक्चर को लास्ट तक बनाए रखने में सक्सेस रहे हैं। पिक्चर में का जो बेस्ट पार्ट है उसका फ्लैशबैक में चल रही कहानी है, जो कि आपको लास्ट तक सस्पेंस को बनाए रखता है। फिल्म का संगीत विशाल शेखर ने दिया हुआ। फिल्म के अंदर 3 गाने हैं, पर वो फिल्म के कहानी के रफ्तार को रोकते हैं। यकीन मानिए पिक्चर देखने के बाद आपको उनमें से कोई ट्रैक याद नहीं रहेगा। कुल मिलाकर खाली पीली फिल्म एक पूरी तरह से मसाला पिक्चर है जिसे सिंगल थिएटर के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया। अब लॉकडाउन में सब कुछ तो बंद है, खुला होता तो जरूर दर्शकों की सीटी मिलती। एक बात और बता दूं, इस फिल्म को देखने के लिए
G5 के मेंबरशिप के अलावा आपको ₹299 पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आप जी सिनेप्लेक्स पर 6 घंटे तक के लिए मूवी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जान है तो जहान है, फिल्में आती जाती रहेगी, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। वो लड़का मैं हूँ, ये रही है लफड़ा, बोले तो अलग लेवल का बोला है, मतलब टाइप के प्लान होते रहे। पहला सचिन प्लान, बॉलर को चौंकाने वाला चौका, और दूसरा अपना सहवाग, बाकी यहाँ जो होगा देखा जाएगा। कोई तीसरा प्लान है क्या? वो अपना राहुल द्रविड़ टाइप का सेफ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।